हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DTH Plus मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम Samsung A30s में फ्लैशिंग करेंगे। फ्लैशिंग करने के लिए हम ये कैसे पता करें कि हमारी डिवाइस में कौन सी फ्लैश फाइल होनी है, ताकि हम अपनी डिवाइस में फ्लैश करें तो हमारी डिवाइस डेड और ब्रिक्ड ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर लेना है। और अब हमें अपने मोबाइल से वॉल्यूम अप और पावर की को प्रेस करना है। प्रेस करने के कुछ देर बाद हमें सैमसंग लोगो नजर आएगा और यहाँ पर हमें पावर की को छोड़ देना है और वॉल्यूम अप की को दबाकर रखना है। इसके बाद हमारा मोबाइल एंड्रॉयड रिकवरी में चला जाएगा। एंड्रॉयड रिकवरी में चले जाने के बाद हमें इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो हमारे मोबाइल में फर्मवेयर डला हुआ है वो इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों, फ्लैश फाइल का पता निकालने के लिए हमें इसके लास्ट के चार या पांच डिजिट को देखना होता है। और जब भी हम फर्मवेयर डाउनलोड करें तो हमें अपने मोबाइल के इस फर्मवेयर के लास्ट के चार डिजिट देखने हैं और इन डिजिट के हिसाब से ही हमें अपनी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। अगर दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल की फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपका मोबाइल कभी डेड और ब्रिक नहीं होगा। अगर दोस्तों आपकी फ्लैश फाइल इस मोबाइल के हिसाब से सेम है तो आप इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों, हम अपनी पीसी में ओडिन के लेटेस्ट सेटअप को ओपन कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपनी फाइल को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने मोबाइल को डाउनलोड मोड में ले जाना है। इसके लिए हमें अपने मोबाइल में वॉल्यूम प्लस माइनस की को प्रेस कर यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करना है। ये यूएसबी हमारी पीसी के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। अगर हमारी यूएसबी पीसी के साथ नहीं कनेक्ट होगी तो हमारा सेट डाउनलोड मोड में नहीं जाएगा। डाउनलोड मोड में जाने के लिए हमें कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। इसमें हमें
प्रेस वॉल्यूम अप पर क्लिक करना है और हमारी डिवाइस डाउनलोड मोड में चली जाएगी। इसके बाद हमें अपने पीसी में ओडिन टूल में जाना है। और ओडन टूल में पोर्ट शो होने के बाद हमें स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर हमारे मोबाइल में फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और अब हमें फ्लैशिंग के हो जाने का इंतज़ार करना है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी फ्लैश कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने डिवाइस को ऑन कर लेंगे। डिवाइस को पूरी तरह से ऑन होने के लिए कुछ समय लगता है, इसलिए हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, हमारी डिवाइस तो ऑन हो गई है, लेकिन इसमें कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड एरर आ रहा है। ये एरर हमारे मोबाइल में जब आता है, जब हम अपना मोबाइल किस्तों पे फाइनेंस कराते हैं और हमारी कोई किस्त पेंडिंग होती है, और जब हम अपने मोबाइल को वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं,
और वाईफाई कनेक्ट हो जाने के बाद हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे आगे एक सैमसंग कंपनी का पॉपअप शो होने लग जाता है जिसे हम MDM लॉक बोलते हैं।